नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आपको बताइए कि शारजा वॉरियर्स वर्सेस डेजर्ट वाइपर्स के बीच में आज इंटरनेशनल T20 लीग का मैच नंबर 30वां खेले जाने वाला है। और अगर आप भी इस वाले मुकाबले की मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना के अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सभी खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि फ्लॉप जाने वाले हैं और कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, और इन सभी खिलाड़ियों में से हमारे लिए बेस्ट CVC का ऑप्शन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको पिच रिपोर्ट भी बताने वाला हूं कि इस पिच की रिपोर्ट क्या है और इस वाले पिच के ऊपर कौन से बॉलर को अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा, और इन दोनों टीमों के बीच में मैं आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बताने वाला हूं, यानी कि 70% आपको यहीं पर पता चल जाएगा कि मैच के अंदर होने क्या वाला है। तो ये सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड रिकॉर्ड बताता हूं। तो पिछले 5 साल का अगर इनका T20 का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो भाई एक मुकाबला टोटल खेला गया है और वो भी यहाँ पे शारजा वॉरियर्स ने जीता है। बाकी वेन्यू की बात की जाए तो शारजा क्रिकेट स्टेडियम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये मुकाबला खेलने जाएगा। और इस पिच की बात की जाए तो ये वाला पिच पूरा बॉलिंग पिच है, यानी कि यहाँ पे बॉलिंग करने वाले खिलाड़ियों को काफी अच्छी मदद मिलती है और बॉलर यहाँ पे बैट्समैन के ऊपर काफी ज्यादा भारी भी पड़ते हैं। बाकी गेंदबाज की बात की जाए तो यहाँ पे तेज गेंदबाज इंपोर्टेंट होता है और तेज गेंदबाज यहाँ पे काफी जबरदस्त विकेटें चटकाता है। बाकी वेदर कंडीशन की बात की जाए तो भाई बारिश वगैरह आने का चांसेस यहाँ पे नहीं होने वाला है, आप आराम से मैच को भी यहाँ पे एंजॉय कर पाओगे। बाकी रिसेंट के 5 T20 मुकाबलों की बात की जाए इस वाले वेन्यू के ऊपर तो एवरेज जो रन बना है वो केवल 122 के आसपास बना है। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हो कि इस वाले पिच के ऊपर रन बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है, यानी कि बॉलर को काफी अच्छा एडवांटेज मिलता है इस वाले वेन्यू के ऊपर। बाकी विकेटों की बात की जाए तो टोटल जो विकेटें निकली है वो यहाँ पे 65 विकेटें निकली है, जिनमें से 42 विकेट तेज गेंदबाज ने निकाली है और 23 विकेट यहाँ पे स्पिनर के नाम आई है। तो यहाँ पे भी ये चीज देख सकते हो कि भाई तेज गेंदबाज कितनी अच्छी यहाँ पे विकेटें चटकाता है। बाकी पिछले 5 साल की टॉस हिस्ट्री की बात की जाए तो भाई जो भी टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला लेती है अधिकतर मुकाबले भी वही जीतती है। बाकी खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखा जाए पिछले 5 साल का इस वाले वेन्यू के ऊपर तो ये 6 खिलाड़ियों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, जिनमें से पहला खिलाड़ी हमारा कुशल मेंडिस, दूसरा खिलाड़ी एलेक्स हेल्स, तीसरा खिलाड़ी सदाफ खान, चौथा खिलाड़ी लुकी हुड, पांचवा खिलाड़ी क्यू सेमेट, छठे खिलाड़ी की बात की जाए तो महेश तीक्षणा, यानी कि ये 6 खिलाड़ी काफी अच्छी परफॉर्मेंस की हुई है इस वाले वेन्यू के ऊपर। तो ये चीज भी आप नोट डाउन करके जरूर से चलना। बाकी दोनों टीमों की अगर फॉर्म देखी जाए इस वाली लीग के अंदर तो यहाँ पे शारजा वॉरियर्स ने भी पिछले 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले हारे हैं और 2 मुकाबले इन्होंने जीते हैं, और डेजर्ट वाइपर्स की बात की जाए तो भाई इन्होंने भी 3 मुकाबले हारे हैं और 2 मुकाबले जीते हैं। बाकी वॉरियर्स ने ये मुकाबले किसके सामने जीते हैं वो भी डेट वगैरह आराम से देख सकते हो, और डेजर्ट वाइपर्स किसके सामने खेली है डेट वगैरह आप आराम से इनकी भी देख सकते हो। बाकी लास्ट 3 मुकाबलों से इन टीमों का बैटिंग ऑर्डर यहाँ पे आप देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से है, यानी कि ये खिलाड़ी आपको शुरू शुरू में पावर प्ले के अंदर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, बाकी ये फिक्स बैटिंग ऑर्डर नहीं है, इनमें कोई भी चेंजिंग भी होता है तो वो सारा का सारा अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर देने वाला हूं, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लेना। बाकी गाइस मैंने आपको पिच रिपोर्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड डिटेल से बता दिया है, अब मैं आपको बता देता हूं कि इन सभी खिलाड़ियों में से आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेकर चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन की। ऊपर ही पर देखोगे तो कुशल मेंडिस देखने को मिल जाएंगे, फ्लिप शॉल्ट देखने को मिल जाएंगे, चार्लिस देखने को मिल जाएंगे, एक खान देखने को मिल जाएंगे, डुकवल देखने को मिल जाएंगे, और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको चंदीमल देखने को मिल जाएंगे और सूरी देखने को मिल जाएंगे। ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको विकेट कीपर वाले सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे खिलाड़ी लाइनअप में नहीं आएंगे, ये चीज भी नोटिस जरूर कर लेना। केवल 2 या 3 खिलाड़ी ही ऐसे होंगे जो कि भाई लाइनअप में आने वाले हैं। अब उनमें से भी आपको कौन से खिलाड़ी को लेकर चलना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कुशल मेंडिस को छोड़ सकते हो क्योंकि ये लाइनअप में नहीं आने वाले हैं, और यहाँ पे जो लाइनअप में आएगा वो यहाँ पे फ्लिप शॉल्ट आने वाला है, और फ्लिप शॉल्ट को इस वाले मुकाबले के अंदर आप जरूर से लेके चलना क्योंकि इस वाले मुकाबले के अंदर आपको फ्लिप शॉल्ट काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आने वाला है। बाकी चार्लीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे तो ये लाइनअप में नहीं आने वाला है, इनको आप छोड़ के चल सकते हो। बाकी यहाँ पे एक खान की बात की जाए तो भी पिछले मुकाबले के अंदर ये लाइनअप में नहीं आए थे, लेकिन इस वाले मुकाबले के अंदर इनके खेलने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसीलिए अगर आप चाहो तो भी एक खान को भी लेके चल सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे। बाकी यहाँ पे डुकविला की बात की जाए तो इनको आप ड्रॉप आउट करके चल सकते हो क्योंकि ये लाइनअप में आएंगे फिर भी ये फ्लॉप जाने वाले हैं, और वैसे भी ये वाला पिच बॉलर को ज्यादा सपोर्ट करेगा तो बैट्समैन की तो वैसे भी विकेटें चटकने वाली है, तो इसीलिए यहाँ पर आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम से इनको ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी नीचे के 2 खिलाड़ी लाइनअप में नहीं आएंगे तो आप इनको छोड़ देना। बाकी यहाँ पे जो हमारे लिए बेस्ट खिलाड़ी निकलता है वो केवल 2 खिलाड़ी निकलते हैं। अभी इन दोनों खिलाड़ियों में भी एक कंडीशन है, एक खान के खेलने के चांसेस कम है, ये चीज नोटिस जरूर कर लेना, और हमारे पास जो बचता है वो केवल फ्लिप शॉट बचता है। तो यहाँ पे विकेट कीपर वाले सेक्शन में अगर एक खान नहीं खेलते हैं तो केवल एक खिलाड़ी ही आप लेके चलना, और वो है यहाँ पे फ्लिप शॉट। बाकी ज्यादा खिलाड़ी यहाँ से आपको नहीं लेना है, केवल आपको एक खिलाड़ी ही लेना है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि बैटिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऊपर ही पर देखोगे तो यहाँ पे आपको मार्टिन गप्टिल देखने को मिल जाएंगे, एलेक्स
हेल्स देखने को मिल जाएंगे, कोलिन मुनरो देखने को मिल जाएंगे, लॉरेंस तो वैसे भी मैच से बाहर है तो हम इनको छोड़ के ही चलेंगे, बाकी केड मोर देखने को मिल जाएंगे, डेनेली देखने को मिल जाएंगे, रूथ फूड देखने को मिल जाएंगे, दयाल देखने को मिल जाएंगे, होशी देखने को मिल जाएंगे और नीचे के ये दो खिलाड़ियों के खेलने के चांसेस कम रहेंगे तो हम इनको छोड़ के चलेंगे। अभी ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको बैटिंग से देखने को मिल जाते हैं, अब इन सारे खिलाड़ियों में से आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेकर चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मार्टिन गप्टिल की। पिछले मुकाबले के अंदर तो ये लाइनअप में आए थे लेकिन उससे पहले तीन मुकाबलों के अंदर देखा जाए तो भाई ये लाइनअप में लगातार नहीं आए थे, लेकिन ये वाला मुकाबला आपको बताइए कि दोनों टीमों के लिए इंपोर्टेंट मुकाबला भी है, तो कहीं ना कहीं भाई इस वाले मुकाबले के अंदर आपको मार्टिन गप्टिल भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके लिए रिक्सी प्लेयर के हिसाब से मार्टिन गप्टिल का ऑप्शन काफी जबरदस्त होने वाला है, तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इनको भी जरूर से लेके चलना। बाकी एलेक्स सेल्स की बात की जाए तो भाई इनका भी ऑप्शन आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, पिछले मुकाबले के अंदर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके आए थे और इस वाले मुकाबले के अंदर भी ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस करने वाला है, तो इसीलिए आप एलेक्स सेल्स को लेके चल सकते हो। बाकी कोलिन मुनरो की बात की जाए तो काफी सारे लोग इनको भी ड्रॉप आउट करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन भाई कोलिन मुनरो के भी T20 के रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है और ये भी अपनी परफॉर्मेंस कभी भी दे सकते हैं, तो इसीलिए आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इनको लेके चल सकते हो। और केड मोर की बात की जाए तो भाई केड मोर का भी ऑप्शन आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर केड मोर को भी जरूर से लेके चलना। बाकी यहाँ पर डेनेली फ्लॉप जाने वाले हैं, पिछले मुकाबले के अंदर भले इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है लेकिन अब की बार इनको ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी रुथ फूड यहाँ पे लाइनअप में नहीं आने वाला है, इनको आप छोड़ के चल लेना और डयाल को भी छोड़ के चल लेना, और नीचे के खिलाड़ी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होंगे तो आप इनको भी छोड़ के चल सकते हो। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में आपके लिए बेस्ट खिलाड़ी कौन सा होगा जिसको आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लेके चल सकते हो वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। बाकी क्या इन खिलाड़ियों में से हमको किसी खिलाड़ी को CVC क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। ऊपर ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको वनिंदु असरंगा देखने को मिल जाएंगे, लियान लिविंगस्टन देखने को मिल जाएंगे, सेम्स देखने को मिल जाएंगे, विलियम्स देखने को मिल जाएंगे, और नीचे होगे तो यहाँ पर आपको जोर्गी देखने को मिल जाएंगे, सदाब खान देखने को मिल जाएंगे, बोस डिलीडे देखने को मिल जाएंगे, और नीचे होगे तो यहाँ पर आपको फुलर देखने को मिल जाएंगे, सेम करण देखने को मिल जाएंगे, मुस्तफा देखने को मिल जाएंगे। बाकी नीचे के तीन खिलाड़ियों में से अली नेसर को आप नोटिस करके जरूर से चलना। बाकी ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको ऑलराउंडर से देखने को मिल जाते हैं, अब इन सारे खिलाड़ियों में से आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं लियान लिविंगस्टन की। पिछले मुकाबले के अंदर भी लियान लिविंगस्टन ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इस वाले मुकाबले के अंदर भी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा आने वाला है, क्योंकि ये वाला पिच बॉलर को काफी अच्छा सपोर्ट करेगा और लियान लिविंगस्टन काफी अच्छे ऑलराउंडर भी है जो कि भाई बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही करेंगे, तो इसीलिए भाई लियान लिविंगस्टन का ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लियान लिविंगस्टन को लेकर चल सकते हो। बाकी वनिंदु असरंगा यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि ये अभी श्रीलंका के सामने जो अफगानिस्तान की ODI सीरीज जो चल रही है उसके अंदर ये चले गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। बाकी नीचे आपको विलियम्स देखने को मिल जाएंगे, ये काफी जबरदस्त खिलाड़ी है, इस वाले मुकाबले के अंदर आपको काफी अच्छी विकेटें चटका के देने वाले हैं, तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इनको भी जरूर से लेके चलना। बाकी सेम्स की बात की जाए तो पिछले पांच मुकाबलों से ये भी लगातार काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, तो भाई इनका भी ऑप्शन आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है, तो इनको भी जरूर से लेके चलना। बाकी यहाँ पे जुगोरी को यहाँ पे ड्रॉप आउट कर लेना, सदाब खान को ड्रॉप आउट कर लेना, बोस डिलीडी को भी ड्रॉप आउट करके चल सकते हो, फुलर को भी ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी सेम करण आपके लिए बेस्ट खिलाड़ी होने वाला है, तो सेम करण को आप इस वाले मुकाबले के अंदर जरूर से लेके चलना। बाकी मुस्तफा ने भी अभी तक केवल एक मुकाबले के अंदर भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बाकी लगातार ये भी फ्लॉप ही चल रहे हैं। बाकी नीचे के जो भी खिलाड़ी है आप ड्रॉप आउट करके चल सकते हो, केवल आप अली नासिर को आप लेके चल सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर, क्योंकि अली नासिर आपको काफी अच्छी बॉलिंग बैटिंग इस वाले मुकाबले के अंदर करते हुए नजर आने वाले हैं। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपके लिए इंपोर्टेंट खिलाड़ी कौन सा है, ड्रॉप आउट किसको करना है वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। बाकी क्या ऑलराउंडर वाले सेक्शन में हमको किसी खिलाड़ी को CVC क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि बॉलिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। ऊपर ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको शाहीन अफरीदी देखने को मिल जाएंगे, दिलशन मधुशंका देखने को मिल जाएंगे, आमिर देखने को मिल जाएंगे, क्रिस वॉक्स देखने को मिल जाएंगे, कोटरेल देखने को मिल जाएंगे, महेश तीक्षणा देखने को मिल जाएंगे, आदिल राशिद देखने को मिल जाएंगे, और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको लुकी वुड देखने को मिल जाएंगे, पीयूष अहमद देखने को मिल जाएंगे, मिल्स देखने को मिल जाएंगे, हेटेजुगुल देखने को मिल जाएंगे, वॉर्ड देखने को मिल जाएंगे, पथिराना देखने को मिल जाएंगे, जावेदुल्ला देखने को मिल जाएंगे, सोले देखने को मिल जाएंगे, और नीचे के ये तीन चार खिलाड़ियों को आप ड्रॉप आउट करके चल सकते हो क्योंकि ये लाइनअप में नहीं आने वाले हैं। अब ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको बॉलिंग से देखने को मिल जाते हैं, अब इन सारे खिलाड़ियों में से आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं शाहीन अफरीदी की। लगातार ये भी लाइनअप में नहीं आ रहे हैं और इस वाले मुकाबले के अंदर भी इनके खेलने के चांसेस कम रहेंगे, तो इसीलिए हम इनको ड्रॉप आउट करके चलेंगे। बाकी मधुशंका की बात की जाए तो ये भी लाइनअप में नहीं आने वाले हैं क्योंकि ये भी ODI सीरीज के अंदर चले गए हैं, तो इसीलिए इनको भी आप ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी नीचे आपको आमिर देखने को मिल जाएंगे, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी होंगे, इनको आप हर टीम के अंदर जरूर से लेके चलना क्योंकि इस वाली लीग के अंदर
अंदर लगातार ये भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं और इस वाले मुकाबले के अंदर भी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलेगा, काफी अच्छी विकेटें निकालने वाले हैं, तो आप इनको भी जरूर से लेके चलना। और वैसे भी ये वाला पिच बॉलर को काफी अच्छा सपोर्ट करने वाला है, तो यहाँ पे बॉलर आपको काफी अच्छी विकेटें चटकाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप जो भी टीम बनो बॉलर ज्यादा ही रखना, चाहे बेस्टमैन आप वहां पे कम लेके चल लेना, लेकिन बॉलर आप ज्यादा ही रख के चलना। बाकी क्रिस वोक्स की बात की जाए तो भाई पिछले मुकाबले के अंदर भी काफी अच्छी विकेटें चटकाई थी और इस वाले मुकाबले के अंदर भी आप क्रिस वोक्स को लेके चल सकते हो, जो कि भाई आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे। बाकी कोटरेल को ड्रॉप आउट कर लेना, महेश तीक्ष्णा भी लाइनअप में नहीं आने वाला है, इनको भी आप छोड़ के चल सकते हो। बाकी नीचे आपको आदिल राशिद देखने को मिल जाएंगे। आदिल राशिद का परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले के अंदर भी काफी अच्छा देखने को मिला था और इस वाले मुकाबले के अंदर भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा, तो आप इनको भी जरूर से लेके चलना। बाकी लुकी वुड भी यहाँ पे लाइनअप में नहीं आने वाले हैं, इनको भी आप छोड़ के चल सकते हो। क्यों सहमद को भी आप छोड़ के चल सकते हो, मिल्स को भी छोड़ के चल सकते हो। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको पति राणा और जावेदुल्ला देखने को मिल जाएंगे। ये दो खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनको आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लेके चल सकते हो। बाकी नीचे के खिलाड़ी जितने भी है आप यहाँ पे छोड़ के चल सकते हो, क्योंकि ये लाइनअप में भी नहीं आने वाले हैं और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी भी नहीं होंगे। बाकी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कौन सा है बॉलिंग वाले सेक्शन में, वो मैंने आपको बता ही दिया है और लगभग मैंने आपको सारे ही सेक्शन से बता दिया है कि कौन से सेक्शन से कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी में से हमारे लिए बेस्ट सीवीसी का ऑप्शन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। तो जैसे ही आप ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको लियान लिविंगस्टन देखने को मिल जाएंगे। इस वाले मुकाबले के अंदर आप सीवीसी इनको बना के चल सकते हो। दूसरा खिलाड़ी अगर आपको सीवीसी क्रिएट करना है रिक्सी तरीके से, वो जावेदुल्ला भी काफी जबरदस्त होने वाला है, तो इनको भी आप सीवीसी बना के चल सकते हो इस वाले मुकाबले के अंदर। बाकी यहाँ पर आपको क्रिस वोक्स देखने को मिल जाएंगे, इनका भी ऑप्शन काफी जबरदस्त होने वाला है सीवीसी के लिए, तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इनको सीवीसी बना के चल सकते हो। बाकी आप जो भी सीवीसी बना के चलोगे वो आप बॉलिंग वाले खिलाड़ियों में से ही बना के चलना, क्योंकि बॉलिंग वाले खिलाड़ी आपको काफी अच्छी विकेटें चटकाते हुए नजर आने वाले हैं। बाकी अभी जो मैंने आपको तीन खिलाड़ी सीवीसी के लिए बताया है, इनको आप अलग अलग तरीके से आपकी टीमों के अंदर सीवीसी बना के चल लेना। बाकी खिलाड़ी कौन से इंपोर्टेंट है, सीवीसी कौन से इंपोर्टेंट है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी ये वाली वीडियो और ये वाली इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। आप ड्रीम इलेवन के ऊपर टोटल कितनी टीमें बनाते हो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लेना। तो इस वाली वीडियो को हम यही पेंड करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।